हाय स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को यूजफुल एनिमल्स, उपयोगी जानवर के बारे में बताएंगे कि पशु जानवर हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी हैं। ये क्लास सेकंड के बच्चों के लिए है, तो आइए देखते हैं कि जिस प्रकार से पेड़ पौधे हमारे लिए उपयोगी हैं। पेड़ पौधों से हमें जो है बहुत कुछ प्राप्त होता है, भोजन, लकड़ी, ईंधन के रूप में। उसी प्रकार से एनिमल्स, जानवरों से भी हमको बहुत कुछ प्राप्त होता है। उसके बारे में हमको क्या प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है, कैसे मिलता है, वो हमारे लिए लाभदायक कैसे हैं, उपयोगी कैसे हैं, उसके बारे में ये टॉपिक आज की है, जो कि क्लास सेकेंड के लिए है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स अराउंड अस। एनिमल्स दैट वी टेम आर कीप एट आवर होम्स आर ऑन फार्म्स आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। जिस प्रकार से हम लोगों ने अभी देखा था, जब हम लोग इसके पहले प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे थे, प्लांट्स के बारे में, कि हमारे आसपास बहुत प्रकार के छोटे, बड़े, बहुत ही छोटे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उसी प्रकार से आज हम लोग एनिमल्स के बारे में भी देख रहे हैं कि देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स अराउंड अस। हमारे आसपास चारों तरफ बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, पशु पाए जाते हैं, जानवर पाए जाते हैं। एनिमल्स दैट वी टेम आर कीप आवर होम्स, आवर होम्स अपने घर। जीव जंतु तो बहुत हैं, लेकिन सबको हम अपने घर पर नहीं रख सकते, सबको हम पाल नहीं सकते। केवल कुछ ही पशु जानवरों को हम अपने घर पर जो है पाल सकते हैं, अपने फार्म पर पाल सकते हैं, हमको रख सकते हैं, जिससे कि हमको फायदा होता है। तो ऐसे एनिमल्स जिनको हम अपने घर पर रखते हैं, पालते हैं, वे जो है पेट एनिमल्स या डोमेस्टिक एनिमल्स, घरेलू जानवर, घरेलू पशु बोले जाते हैं। तो एनिमल्स दैट वी टेम आर कीप एट आवर होम्स आर ऑन फार्म आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। दीज एनिमल्स आर वेरी यूजफुल टू अस। जिनको हम पालते हैं, जिन एनिमल्स को हम लोग पालते हैं, उनसे हमको बहुत फायदा होता है। वो फायदा क्या क्या है, उसके बारे में हम लोग आगे विस्तार से जानेंगे। दीज आर वेरी यूजफुल, ये हमारे लिए बहुत लाभदायक है, उपयोगी है, इनसे हमको बहुत कुछ प्राप्त होता है, इसीलिए हम लोग इनको पालते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें जान लें कि पेट एनिमल्स क्या होते हैं। पेट एनिमल्स पालतू जानवर जिनको हम अपने घरों पर रखते हैं, पालते हैं, उनसे हमको फायदे क्या क्या हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं पालतू जानवर हैं क्या। एनिमल्स दैट वी कीप एट आवर होम्स विद अस आर कॉल्ड पेट आर डोमेस्टिक। पेट आर डोमेस्टिक एनिमल्स, चाहे पेट कहिए चाहे डोमेस्टिक कहिए, पेट आर डोमेस्टिक एनिमल्स। ऐसे जानवर, पशु जिनको हम अपने घर पर रखते हैं, पालते हैं, वे सभी जीव जंतु डोमेस्टिक या पेट, पालतू या घरेलू जानवर कहे जाते हैं, क्योंकि उनको हम अपने घर पर रखते हैं। जैसे कि गाय हो गई, भैंस हो गया, भेड़ बकरी हो गए, और तमाम प्रकार के पशु हैं, वो सब जो हम घर पर पालते हैं, वो सब डोमेस्टिक एनिमल्स में आते हैं, घरेलू जानवर या पालतू जानवर। पेट एनिमल्स हेल्प अस इन मेनी वेज। जिन पशुओं को, जानवरों को हम लोग अपने घर पर पालते हैं, उनसे हमको बहुत सारे फायदे हैं, वे हमारी कई प्रकार से हेल्प करते हैं। एनिमल्स हेल्प अस इन मेनी वेज, कई प्रकार से हेल्प करते हैं, हमको उनसे कुछ प्राप्त भी होता है, वे हमें हेल्प भी करते हैं, सहायता भी करते हैं। तो कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल बता रहे हैं, डॉग, कुत्ता,
कुत्ता काया लोग पालते हैं अपने घरों की सुरक्षा के लिए। Dog guards our home। कुत्ता हमारे घर की रखवाली करता है। कुत्ता हमारे घर की रखवाली करता है। तो डॉग हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, इससे ये हमारी हेल्प कर रहा है किसी प्रकार के बाहरी जानवर चोरों से रात में। तो कुत्ता जो होता है वो हमारे घर की रखवाली करता है, इससे हमको ये फायदे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल और, कैट कीप्स द माइस अवे। कैट कीप्स द माइस अवे। बिल्ली जो है चूहे को दूर भगाती है, क्योंकि चूहा घर में रहता है तो घर के काफी सामान को नुकसान पहुंचा देता है, काफी सामान को वो काट देता है, खाने वाली सामग्रियों को खराब कर देता है। तो कैट कीप्स द माइस अवे, बिल्ली जो है चूहे को दूर भगाती है, भगा देती है। तो ये भी उससे हमको फायदा मिल रहा है, उससे हमको हेल्प मिल रही है। अब हम बात करेंगे फार्म एनिमल्स होते क्या है, क्या है फार्म एनिमल्स क्या है। देखिए, एनिमल्स दैट वी कीप एट आवर फार्म्स आर कॉल्ड फार्म एनिमल्स। फार्म एनिमल्स गिव अस फूड एंड मेनी अदर थिंग्स। इनसे हमें भोजन भी प्राप्त होता है और बहुत सारे कार्यों में भी ये काम में आते हैं, इनसे बहुत सारे फायदे हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि फार्म एनिमल्स क्या है। फार्म एनिमल्स ये होता है जिन क्षेत्रों पर हम लोग पशुओं को पालते हैं, या खेतों में अगर घर बनाए हुए हैं और उसका बड़ा सा बाउंड्री है, अहाता है, तो ये फार्म बोला जाता है। वहां पर हम लोग पेड़ पौधे भी बहुत सारे लगा सकते हैं, जानवरों को पाल सकते हैं, उसी को फार्म हाउस बोलते हैं। तो ये फार्म एनिमल्स हैं, जहां उनको हम लोग रखते हैं, उनको दाना पानी देते हैं, उनको पालते हैं। तो एनिमल्स दैट वी कीप एट आवर फार्म्स आर कॉल्ड फार्म एनिमल्स। जिनको हम लोग अपने फार्म पर रखते हैं, फार्म हाउस में रखते हैं, उनको हम फार्म एनिमल्स बोलते हैं। फार्म एनिमल्स गिव अस फूड एंड मेनी अदर थिंग्स। तो उनसे हमको क्या मिलता है, भोजन प्राप्त होता है और बहुत सारी चीजें प्राप्त होती हैं। क्योंकि ऐसा नहीं हम लोग एक दो पशु पालते हैं, एनिमल्स को पालते हैं, हम लोग बहुत सारे पशु पालन करते हैं, तो यहाँ क्लास के हिसाब से हम थोड़ा सा आपको बता रहे हैं, क्योंकि वो आगे आपको बड़ी क्लासेज बताई जाएगी। जैसे पशुपालन में जैसे हम लोग गाय का पालन कर रहे हैं, बहुत ढेर सारी गाय रखे हैं, भैंस रखे हैं, उनका पालन कर रहे हैं, दूध का व्यापार कर रहे हैं, या मुर्गी पालन कर रहे हैं, कुछ लोग मधुमक्खी पालन भी करते हैं। तो इसी प्रकार से भेड़ बकरी पालन, बहुत सारे पशुओं को, एनिमल्स को पाला जाता है, उनको फार्म हाउस में रखा जाता है, जिससे उनसे हमको बहुत कुछ खाने पीने की सामग्री भी मिलती है और अन्य वस्तुएं भी उनसे प्राप्त होती है। जैसे तो सिल्क वार्म, रेशम कीट की को जब हम लोग पालते हैं, शहतूत के पत्तों पर वो होता है, तो उससे हमको जो है रेशम प्राप्त होता है, जिससे धागे बनते हैं, तमाम प्रकार के रेशमी कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल, छोटा छोटा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे काउज, बुफेलो एंड गोट्स गिव अस मिल्क, दूध। अब इनका पालन अगर हम लोग कर रहे हैं अपने घरों में या व्यापार के रूप में, तो गाय से, भैंस से और भेड़ बकरियों से, इन सब से, गाय, भैंस, बकरी, इन सब से हमको क्या मिल रहा है, दूध मिल रहा है। और भी इनसे कुछ मिलता है, दूध तो मिलता ही है, ये पशु जीवित रहते हैं जब तक, तब तक तो हमको दूध देते ही हैं, मरने के बाद भी ये हमारे काम में आते हैं। इनकी जो स्किन होती है, लेदर, उससे लेदर बनाया जाता है, चमड़ा, और उस चमड़े से बहुत सारे सामान वगैरह बनाए जाते हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं। तो काउ, बुफेलो एंड गोट्स गिव अस मिल्क, हेंस डक्स एंड गीज गिव अस एग्स। इसी प्रकार से कुछ अन्य जो जिनसे भी हमको क्या मिल रहा है, अंडे,
मुर्गी हो, बतख हो या और बहुत सारे ऐसे, इनसे हमको अंडे प्राप्त हो रहे हैं जिनको हम लोग भोजन के रूप में लेते हैं। वी ईट द फ्लैश ऑफ सम एनिमल्स। अब फ्लैश मांस, कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जिनसे हमें मांस प्राप्त होता है तो भोजन के रूप में मांस लेते हैं, जैसे फिश हो गया, हेन हो गया, फिश हो गया, सिप एंड गोट, मुर्गी, मछली, भेड़, बकरी और भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जिनसे हमको फ्लैश मांस प्राप्त होता है। वी गेट फाइबर्स फ्रॉम सम एनिमल्स। फाइबर, कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनसे हमको फाइबर, रेशे, धागे प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स देखिए, सिप एंड सिल्क वार्म। अब कहेंगे कि सिप भेड़ से कैसे धागे प्राप्त होंगे, उनके सिल्क वार्म से कैसे होंगे, तो ये रेशम कीट है, सिल्क वार्म को जो है रेशम कीट बोलते हैं। इसको जो है शहतूत के पत्ते पर जो है इसको पाला जाता है, वो शहतूत के पत्ते ही खाकर ये एक सफेद प्रकार का पदार्थ निकालता है जिससे कि धागे बनाए जाते हैं रेशम, और उससे रेशमी कपड़े बनाए जाते हैं। सिप, बात है सिप की, तो सिप तो सबने देखा है, भेड़ को सबने देखा है, गांव में भी होता है भेड़ को, तो उनके जो बाल होता है, उनके बाल की कटिंग करके, बाल की कटाई करके बाल बड़े बड़े हो जाते हैं, उनको बाल को काट लिया जाता है और काट के फिर उनको जो है ऊन बनाया जाता है, ऊन, और फिर उन्हीं ऊन से उन्हीं कपड़े, कम्बल, बहुत सारे गर्म कपड़े बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं कि इन सब एनिमल से हमको फाइबर्स, रेशे, धागे प्राप्त हो रहे हैं जिनसे तमाम प्रकार के कपड़े वस्त्र बनाए जा रहे हैं। अगला पॉइंट है लेदर। लेदर, लेदर मीन्स होता है चमड़ा, लेदर मीन्स चमड़ा, तो चमड़ा भी हमको एनिमल से ही प्राप्त होता है, चमड़ा भी हमको एनिमल, जानवर, जानवर से ही प्राप्त होता है। वी गेट लेदर फ्रॉम द स्किन ऑफ डेड एनिमल। अभी जैसे हम बता रहे थे कि गाय, भैंस या तमाम प्रकार के ऐसे जानवर जो जीते, जब जीवित रहते हैं तब तो उनसे हमको फायदा मिलता ही है, लेकिन मरने के बाद भी उनसे हमको बहुत फायदा मिलता है। उनकी हड्डियों से खाद बनाया जाता है, उनकी स्किन, उनकी त्वचा, चमड़ी से जो है तमाम प्रकार के सामान, वस्तुएं बनाई जाती हैं, जैसे बेल्ट, शूज, तमाम प्रकार के बैग, तो चमड़े के जो है बहुत सारे प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं जिनका हम उपयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। लास्ट पॉइंट आप लोगों का है बीस्ट ऑफ बर्डन। बीस्ट ऑफ बर्डन, बीस्ट मीन्स होता है चार पैर वाला, यानी कि एनिमल्स। आप बर्डन, बर्डन मतलब होता है बोझ, तो कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो हमारे बोझ उठाने के काम में आते हैं, जो हमारी हेल्प करते हैं हमारी वस्तुओं को, वजन वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, सामान ढोने के काम में आते हैं। ऐसे भी एनिमल्स हैं जो कि इस प्रकार से हमारी हेल्प करते हैं। एनिमल्स दैट वी यूज टू कैरी आवर लोड्स, पुल कार्ट्स एंड प्लग फेड्स, दे आर कॉल्ड बीस्ट ऑफ बर्डन। एनिमल्स दैट वी यूज, ऐसे जानवर, ऐसे पशु जिनका उपयोग हम लोग कैरी आवर लोड्स, लोड्स मतलब भारी वस्तु, सामान ले जाने के लिए उपयोग कर रहे हैं। पुल कार्ट्स, पुल कार्ट्स जो जैसे कि घोड़ा गाड़ी, घोड़ा जो है उस गाड़ी को खींचता है, रथ को खींचता है। एंड प्लग फील्ड, बैल, प्लग मतलब खेत की जुताई करना, प्लगिंग, तो खेत की जुताई के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, किस जानवर का, बैल, तो बैल हो गया।
या अन्य अन्य सारे एनिमल्स जिससे कि हमको ये हमारे कार्य में जो है हमारी हेल्प कर रहे हैं, इन सब को हम लोग क्या बोलते हैं, बीस्ट ऑफ बर्डन। बीस्ट ऑफ बर्डन ये ऐसे पशु हैं जो हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, पहाड़ों पर चढ़ने के काम में आते हैं, सामान भारी सामान जैसे हाथी और ऊंट से भी बहुत वजन सामान जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, और फिर चाहे वो बैल हो, फिर चाहे वो घोड़ा हो या अन्य ऐसे एनिमल्स जो कि सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के काम में आ रहे हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, बीस्ट ऑफ बर्डन। बीस्ट ऑफ बर्डन। तो आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू ऑल ऑफ यू।